Hello students, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. and Rao. Today I am going to deal with another video lecture based on the double integral over the bounded region. So before going to the further study about the uh, double integration, I request each and everyone subscribe my YouTube channel, like and share the videos among your friends and press the bell icon to get the further notification. ओके okay, तो मैंने जैसे कि आप लोगों से जिक्र किया है कि ये एक लेक्चर पिछले वीडियो लेक्चर के कंटिन्यूशन में है और पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने डबल इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना सीखा है ओवर द कांस्टेंट लिमिट एंड ओवर द वेरिएबल लिमिट्स राइट और अभी जो हम कुछ लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं पिछली कुछ वीडियोस से तो उसे बाउंड्रीड रीजन्स के ऊपर हमें डबल इंटीग्रेशन को कैसे कैलकुलेट करना है वो सीख रहे हैं बहुत मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं आप लोग हर वीडियो को देखिएगा हर वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक्स भी मिल जाएंगे है ना तो गाइस चलते हैं हम एक शानदार क्वेश्चन की तरफ जो देखो सवाल जो होता है ना अपने आप में बहुत कुछ बताता है और आपको एक तरीका देता है है ना सिर्फ एक सोलूसन उस क्वेश्चन का सोलूशन नहीं होता वो वो बहुत सारे क्वेश्चंस के सोलूशन के तरीके के बारे में बताता है कि आपको उनको कैसे सोल्व करना है ठीक है और जैसे मैंने आपसे कहा है कि हमारे पास यहाँ पे सोल्यूसन में बाउंड्रीड रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है एक बारी हमने रीज़न निकाल लिया उसके बाद हम लिमिट निकाल लें और उसके बाद हमारा काम आसान हो जाता है है ना अब हमें गिवन क्या है फिर से वो लिख लेता हूँ मैं है ना गिवन है मेरे पास Uh, मेरे को क्या क्या गिवन है इंटीग्रेशन आई राइट डी एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई राइट और वेयर मेरा जो डी रीजन है वो क्या दिया हुआ है वेयर डी देखिए एक तो दे दिया इसने ये एक्स वाई इक्व टू सिक्सटीन हाई पेरा बोला राइट right? और एक दे दिया इसने क्या लाइन x इज इक्व टू वाई ये एक्स इक्व टू वाई एक लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन y इक्व टू जीरो एक्स एक्सिस की इक्वेशन दे दी x इक्व टू एट एक लाइन दे दी पैरेलल टू y एक्सिस एट द एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द x एक्सिस ठीक है अब ये चार चीज दे दिया अब इसको लेकर के एक रीजन बना दो और उस रीजन से फिर हम लिमिट डिसाइड कर लेंगे राइट चलिए एक रीजन बनाते हैं सबसे मेन काम है रीजन बनाना ठीक आप देखो से यहाँ से ये मेरे पास एक्स वाई क्वेश्चन सिक्सटीन एक पेरा बोला दिया हुआ है अब ये जो पेरा बोला है सॉरी आई एम सॉरी नॉट ए पेरा बोला हाइपर बोला अब ये हाइपर बोला आपके पास कुछ ऐसे जाएगा राइट ये जाएगा ओके इसको थोड़ा सा और ऐसे से बना लें यहाँ पे ये इस तरह से कर लें राइट ये जाता है आपके पास और y इज इक्वस टू एक्स अलाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन राइट ये चली गई ये आपके पास क्या है एक्स वाई इज इक्वस टू सिक्सटीन राइट और ये आपके पास क्या होगी ये होगी आपके पास x इज इक्वस टू वाई अलाइन एक्स इक्व टू वाई वाई इक्व टू ज़ीरो के आपके पास लाइन ऑफ x एक्सिस ये वाली ये आपके पास y इक्व टू ज़ीरो हो गया राइट एक्स इज इक्व टू एट क्या है अ लाइन टू वाई एक्सिस अलाइन पेलल टू वाई एक्सिस एट द एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस राइट ये आपके पास जो है ये एक्स इज इक्वल्स टू एट हो गया ये वाली लाइन अब देखो इन चारों लाइन चारों कर्व से चार कर्व है मेरे पास एक दो तीन चार तो एक कर्व तो मेरा ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया चौथा ये हो गया इन चारों कर्व से बाउंड्री रीजन की बात कर रहा हूँ मैं तो चारों कर्व से बाउंड्री रीजन तो भाई मेरा ये है ये वाला जो रीज़न है ये चारों कर्व से बाउंड्री रीजन है है ना ये चारों कर्व से बाउंड्री रीजन है देखो अब रीज़न आपने निकाल लिया और रीज़न में कमाल की बात ये है कि इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली कि आप यहाँ पे आपका जो रीज़न जो है ना वो दो पार्ट में दिखाई देगा आपको है ना क्योंकि देखो जब आप x की लिमिट लेना जाएंगे ये तो आपके पास जीरो को मीरो हो गया पॉइंट तो x की लिमिट तो आप ठीक है ले लेंगे ले, कोई दिक्कत नहीं y की लिमिट लेने में आपको दिक्कत होगी क्यों y की लोअर लिमिट से अपर लिमिट अपर लिमिट में यहाँ पे कर्व जो है आपका वो तो है एक लाइन लेकिन जब आप यहाँ पे ऐसे इसको जा चलते चलते यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ के अपर लिमिट का आपका कर्व चेंज हो रहा है ना? जब इस तरह की सिचुएशन बने कि आपका कर्व चेंज हो रहा है थोड़ा सा मूव करने के बाद तो आप जहां से कर्व चेंज हो रहा है वहां से आप उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लो रीजन को यह हमेशा करना है आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं हमेशा ऐसा ही करना है है ना? इस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना फिर ठीक है आपके पास यहां पे दो रीजन हो जाते हैं एक रीज़न आपके पास ये हो गया ठीक है इसके ऊपर आपने इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है और दूसरा रीजन आपके पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या ये वाला ये लो रीज़न ठीक है अब इसके ऊपर आपने इंटीग्रेशन अपना निकालना है तो अब काम शुरू करते हैं यहाँ पे, लिमिट देखो लिमिट को डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम नहीं है फिर से मैं बता रहा हूँ कि हम लिमिट निकालें लेकिन लिमिट निकालने से पहले मैं एक चीज़ और करूँगा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो निकाल लूँगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे इन वर्टिस को इस रीजन के इन रीजनस के वर्टिसज़ को नाम दे लेंगे ये हो गया आपके पास ओ ओ फॉर ओरिजिन राइट इसको ए कह लेंगे अब इस ए पॉइंट की के लिए अगर आप मुझे पॉइंट्स लिखने पड़े वर्टिक्स के तो मेरा एक्स की वैल्यू ए है और वाई की वैल्यू ज़ीरो क्योंकि ये यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं इस पॉइंट की, की बात कर रहा हूँ इस वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ अब इस वर्टेक्स की बात करें तो ये एक्स वाई इक्व टू सिक्सटीन और एक्स इक्व टू एट की बात है इन दोनों को सोल्व कर लो आप एक्स वाई इज इक्वस टू सिक्सटीन एंड एक्स इज इक्वस टू एट इन दोनों कर्व को जब सोल्व करेंगे तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल आएगा इसमें एक्स की वैल्यू एड रख दो यहाँ पे एट वाई इज टू सिक्सटीन तो वाई टू आपके पास आ गया टू तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया एक्स कोमा टू तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया आपके पास एक्स uh, की वैल्यू आ गई एट और वाई की वैल्यू आ गई टू राइट एक्स की वैल्यू एट और वाई की वैल्यू टू और इसको आप कोई नाम दे लें इस पॉइंट को कह दें बी इसको आप सी कह सकते हैं सी पॉइंट है ना अब ये सी पॉइंट जो है आपका ये वाई जीक्व टू एक्स राइट और एक्स वाई जीक्व टू सिक्सटीन ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, है ना ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वाई जिक्वस टू एक्स एंड एक्स वाई जिक्वस टू सिक्सटीन तो रख लें यहाँ पे वाई की जगह एक्स रख लें यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन तो एक्स की दो वैल्यू आ गई यहाँ पे प्लस माइनस फोर राइट तो एक्स जिक्वस टू प्लस फोर तो वाई जिक्वस टू प्लस फोर तो आपके पास जो यहाँ पे वर्टिक्स बनेगा फोर कमा फोर बनेगा देखो माइनस फोर माइनस फोर तो बनाने मत जाना ठीक है क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको इधर मिलेगा और इधर से मुझे मतलब नहीं है मेरे को इस रीजन से मतलब है यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो इस पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास फोर कोमा फोर हो गया ठीक है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास फोर होगी और ये होगी आपके पास होगी तो ये भी फोर ही है ना ये भी फोर ही होगी क्योंकि आपके पास ये टोटल एट है अब चलिए लिमिट अब अब हमारे पास रीजन इस यहाँ पे पॉइंट एम केयर लो इसको है ना इस वाले वर्टेक्स को चलिए अब हम एक काम करते हैं तो वर्टेक्स एम के भी कोऑर्डिनेट चाहे तो आप लिख सकते थे लेकिन जरूरत नहीं है ठीक है यहाँ एक्स लिमिट बना लेते हैं अब देखो हमारा जो रीजन है डी वो दो रीजन में डिवाइडेड है एक तो रीजन आर वन और रीजन आर वन मेरे पास क्या है ओ सी एम राइट ओ एंड रीजन आर टू और मेरे पास रीजन आर टू क्या है यहाँ पे एम सी एम सी बी एंड ए राइट एम सी बी एम सी बी ए ये दो रीज़न है ठीक है अब आर वन रीजन पे मेरे पास लिमिट्स क्या होती हैं एक्स की आर वन रीजन पे मेरे पास एक्स की लिमिट होती है क्या होती है भाई आप चले ज़ीरो से फोर जीरो टू फोर राइट और y की लिमिट आप यहाँ पे देख लो y की लिमिट इसको देख लो आप तो y की लिमिट जो मेरे पास यहाँ पे बनेगी वो बनेगी y मेरा चला जीरो से और ये करो यानी कि जीरो टू एक्स क्योंकि ये क्या है मेरे पास y जिक्वस टू एक्स है ना x इक्व टू वाई है वाई इक्व टू एक्स तो जीरो टू एक्स है ना फिर R2 रीजन की लिमिट ले लेते हैं R2 रीजन में x की लिमिट चलते हैं अब एक्स मेरा चलेगा यहाँ पे फोर से यहाँ तो मैं फोर चल चुका हूँ तो फोर टू एट राइट फोर टू एट ठीक है और वाई मेरा जो चलेगा वाई मेरा चलेगा लोअर कर्व से अपर कर्व अब ये मेरा लोअर क्या हो गया वाई यहाँ पे जीरो ठीक है जीरो टू अपर कर्व अपर कर्व मेरा क्या हो गया ये हाइपरबोला हो गया एक्स वाई जिक्वल्स टू सिक्सटीन तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो सिक्सटीन बाई एक्स तो ये हो गया आपके पास सिक्सटीन बाई एक्स ठीक है तो चलिए अब हम अपना इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना शुरू करते हैं क्योंकि हम लिमिट निकाल चुके हैं ठीक है थीके? तो मेरा इंटीग्रेशन एक आर वन रीजन पर कैलकुलेट होगा और इंटीग्रेशन क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई दूसरा इंटीग्रेशन मेरा आर टू रीजन पर कैलकुलेट होगा ठीक है एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड डी वाई राइट अभी मेरे को करना क्या है आर वन रीजन की लिमिट लिखनी है आर वन रीजन की लिमिट क्या होगी जीरो टू फोर एंड जीरो टू एक्स जीरो टू फोर एंड जीरो टू एक्स राइट एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओके और आर टू रीजन मेरा क्या है आर टू रीजन है मेरे पास फोर टू एट राइट फोर टू एट एंड जीरो टू बाई एक्स राइट एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओके तो ये कमाल की चीज़ें हैं भाई है ना अब ये छोटा छोटा काम हमें करना है बाकी तो अब ये डबल इंटीग्रेशन का सवाल रहेगा नाउ वी सॉल्व द डबल इंटीग्रल अब डबल इंटीग्रल सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे ओके okay? तो जीरो टू फोर इसको ऐसे रखते हैं पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में देखो मेरे पास यहाँ पे जो लिमिट दिया हुआ है ये वाई का लिमिट दिया हुआ है ठीक है तो ये y का लिमिट दिया हुआ है तो पहले मैं जो है y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा ये चीज आपने ध्यान रखनी है है ना इसको dy क्या कर लें आप इसको ऐसे कर लें dy और dy वाई एक सेकेंड तो इसको हम क्या लिखते हैं चलिए यहाँ पे हाँ सॉरी यहाँ पे हम डी वाई कर लें राइट इसको डी एक्स कर लें ओके इसी तरीके से यहाँ पे मेरी एक्स की लिमिट है तो पहले मुझे डी वाई के रेस्पेक्ट में करो फिर डी एक्स के ठीक डी वाई डी एक्स ओके तो इसको मैं लिखूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई और मेरी लिमिट होगी जीरो टू क्योंकि y के रेस्पेक्ट में x तो मेरा ट्रीट हो गया ना तो एक्स स्क्वायर वाई इसका इंटीग्रेशन हो गया जीरो टू एक्स ये dx हो गया देन प्लस यहाँ पर भी वही चीज़ फोर टू एट लिमिट होगी और एक्स स्क्वायर वाई ठीक है और लोअर लिमिट ज़ीरो अपर लिमिट सिक्सटीन बाई एक्स और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स चलिए अभी मेरे पास ये क्या हो गया जीरो टू फोर ओके अपर लिमिट मैंने यहाँ पे रखा वाई का वाई के रेस्पेक्ट में वाई का रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर थ्री राइट लोअर लिमिट मैंने वाई की जगह ज़ीरो रख दिया ओके okay, तो ये हो गया मेरे पास डी एक्स देन प्लस ये हो गया मेरे पास फोर टू एट अपर लिमिट एक्स स्क्वायर मैंने रख दिया सिक्सटीन बाई एक्स एंड माइनस लोअर लिमिट रखूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वाई की जगह ज़ीरो रखें तो ज़ीरो हो जाएगा डी एक्स इसको और सिम्प्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा ज़ीरो टू फोर एक्स टू दावर थ्री डी एक्स है ना काम बहुत आसान करते हैं हम तो यहाँ पे एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया राइट right? तो यहाँ पे मेरे पास बचा क्या सिक्सटीन एक्स डी एक्स ओके सिक्सटीन एक्स डी एक्स अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स टू दावर फोर बाई फोर लोअर लिमिट ज़ीरो अपर लिमिट फोर एंड देन प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर बाई टू लोअर लिमिट फोर अपर अपर लिमिट एट है ना ये आपका एट बार एट टाइम्स कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आपको जब आपने फो ये आ गया फोर टू दी पावर फोर अपर लिमिट आपने रख दिया एंड माइनस लोअर लिमिट रखेंगे जीरो जीरो टू दी पावर फोर ख़त्म करानी देन प्लस अपर लिमिट रखी आपने यहाँ पर यह हो गया आपके पास एट का स्क्वायर और लोअर लिमिट आपने यहाँ पे रखा है ना लोअर लिमिट आपने रखा क्या एक्स की जगह फोर तो ये हो गया आपके पास फोर का स्क्वायर चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे ये कटेगा आपके पास थ्री टाइम्स तो यहाँ पे हो गए सिक्सटी फोर फोर टू पावर थ्री कितना हो गया सिक्सटी फोर हो गया एंड देन प्लस एट टाइम्स ये आपके पास हो गया कितना सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटीन राइट तो ये आपके पास हो गया सिक्सटी फोर देन प्लस एट और यहाँ पे कितना हो गया एट एंड फोर फोर्टी एट राइट फोर्टी एट इसको और सिंप्लीफाई कर लो सिक्सटी फोर एंड देन प्लस आठ चौसठ आठ छताली आठ छः बत्तीस आठ थर्टी एट राइट और ये इसको दोनों को प्लस कर लो ये हो गया आपके पास एट और ये होगा फोर और देन फोर तो 448 है ना ये हमारे पास आंसर आ जाता है यहाँ पे तो जैसे कि मैंने कहा कि हम काम तो कोई बड़ा नहीं करते सारा छोटा छूट छोटा काम हम करके चलते हैं यहाँ पे तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि वो भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है है ना बहुत मज़ेदार सवाल है और बस एक स्केच करना है रीजन रीज़न स्केच करना है और इवेल्यूट करना है इंटीग्रेशन काम बहुत आसान है और छोटा सा सस... देखो सवाल देखने में लग रहा है मैं एक बार सवाल पढ़ूंगा और फिर सवाल से रीजन डिजाइन करूंगा इसके इज इस द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन एंड इवेल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई आर इज द रीजन इन साइड द स्क्वायर इन साइड द स्क्वायर अब आप समझ रहे हैं कि ये स्क्वायर कैसे हो गया मॉडल ऑफ एक्स प्लस मॉडल ऑफ वाई प्लस टू वन ये आपका स्क्वायर बनाता है इसका ग्राफ मैं आपको स्केच करके दिखाऊंगा ग्राफ का स्केच करना बहुत आसान है आपको थोड़े से फंडामेंटल्स ग्राफ याद करने है ना वो तो फंडामेंटल ग्राफ याद करने के बाद आप थोड़ी सी एनालिसिस से आप आराम से रीजन कर पाएंगे जैसे कि आपके पास पेराबोला का ग्राफ क्या होता है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ क्या होते हैं हाइपरबोला का ग्राफ क्या होता है एलिप्स का ग्राफ क्या होता है है ना ये छोटे छोटे से ग्राफ आपको फंडामेंटल ग्राफ्स आपको फंडामेंटल फंक्शंस के ग्राफ आपको आने चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं गिवन क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई राइट एंड वेयर वेयर आर इज आर क्या आपके पास एंड वेयर आर इज़ द रीज़न इन साइड द स्क्वायर इन साइड स्क्वायर ये आपके पास रीज़न है ये कमाल की बात अब इसको स्केच करना देखो कोई मुश्किल काम नहीं है आपने एक्स वाई प्लेन बनाया यहाँ पे ध्यान रखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है एक बार ही आपने वाई इक्व टू जीरो किया है ना देखो इसको स्केच करना बहुत आसान है मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ चलिए यहाँ पर बता लेता हूँ ठीक है यहाँ पे लिखते हैं इफ वाई इज इक्वस टू ज़ीरो देन यू विल गेट मॉडल्स ऑफ एक्स इज इक्वस टू वन ये सर नो बिल्कुल मिलेगा आपको यानी कि मॉडल्स ऑफ मोड की प्रॉपर्टी से मॉडल्स ऑफ एक्स इक्व टू वन का मतलब हो गया कि एक्स की वैल्यू ये तो प्लस वन होगी या माइनस वन होगी तो कहने का मतलब है कि वाई इक्व टू जीरो और एक्स की दो वैल्यू मिलेगी एक तो मिलेगी आपको माइनस साइड में माइनस वन माइनस वन यूनिट डिस्टेंस पे ओरिजिन से और एक प्लस वन प्लस वन यूनिट डिस्टेंस में मिलेगी है ना तो ये माइनस वन लेकिन वाई की वैल्यू जीरो के साथ में और ये प्लस वन वाई की वैल्यू जीरो के साथ में इसी तरीके से आपने क्या करना है एक्स को ज़ीरो कर अब आपने क्या करना है एक्स को ज़ीरो करना है जब आप एक्स को जीरो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा मॉडुलस ऑफ वाई इक्व टू वन इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज दैट कि आपके पास y की भी दो वैल्यू मिलेगी एक प्लस वन और एक माइनस वन तो एक्स मेरा ज़ीरो होता है वाई एक्सिस पे, है ना यानी कि प्लस वन डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे होगी और माइनस वन डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे होगी तो मेरे पास ये एक्स जीरो हो गया और माइनस वन डिस्टेंस और मेरे पास ये वाई मेरे पास एक्स जीरो हो गया और वाई वन हो गया तो कहने का मतलब है कि ये चार वर्टिक्स मिले हैं मेरे को इस रीजन के और ये चारों वर्टिक्स आपका ये चारों सेम डिस्टेंस के होंगे यूनिट डिस्टेंस की लेंथ के होंगे तो इसलिए ये स्क्वायर बनाता है इसलिए उसने क्वेश्चन में इसका स्क्वायर का जिक्र किया है इसलिए उसने कहा है कि स्क्वायर ये स्क्वायर है वन यूनिट लेंथ का है ना वन यूनिट लेंथ का स्क्वायर ओके ठीक तो ये मेरा रीज़न निकल गया अब भाई इस इस रीज़न की एक ख़ास बात यह है अब आप इसकी लिमिट देखेंगे चारों तरफ है ना नहीं ऐसे नहीं देखना है क्योंकि इसमें ना एक एक ये क्वाड्रेंट की लिमिट निकाल लो आप यानी कि इस पोर्शन की लिमिट निकाल लो आप इस वाले की और इसे चार से मल्टीप्लाई कर दो भैया वही आंसर इस आएगा इसका निकाल लो और फोर से मल्टीप्लाई कर लो है ना क्योंकि जो इस पर निकलेगा वो इस पर निकलेगा सेम रीज़न है सेम ओरिएंटेशन के रीज़न है सेम डायमेंशन के रीज़न है तो एक कर निका, एक पे निकाल लो और से चार से मल्टीप्लाई कर लो है ना चलिए इसको नाम दे लो ये आपके पास पॉइंट भी जीरो को जीरो हो गया राइट और इसको ओ कह दिया इसको ए कह दिया और इसको बी कह दिया ठीक है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे आप एक्स की लिमिट निकालेंगे लिमिट्स क्या होंगे आपके पास लिमिट्स निकलेगी एक्स की लिमिट आपके पास निकली क्या जीरो से जीरो टू वन राइट जीरो टू वन वाई की लिमिट आपके पास क्या निकली ये वाई की लिमिट आप ऐसे निकालेंगे ठीक है यहाँ से लोअर कर्व टू अपर कर्व तो लोअर कर्व है मेरा वाई ज़ीरो और अपर कर्व मेरा ये क्या है अब इस लाइन की इक्वेशन मेरे को चाहिए है ना इस लाइन की इक्वेशन मेरे को चाहिए अब इस लाइन की इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे या तो आप इन दोनों पॉइंट को ऐड कर लें ठीक है दोनों पॉइंट से देखो एक्स वन आपके पास ये है वाई वन आपके पास ये है एक्स टू आपके पास ये है और वाई टू आपके पास ये है है ना तो आप यहाँ से कर ले y माइनस वाई वन और वाई टू वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस का एक्स वन और x माइनस का एक्स वन राइट तो यहाँ से y माइनस वन इजिक्वस टू माइनस आपके पास x आ गया यानी कि वाई प्लस एक्स इजिक्वस टू वन और यहाँ से वाई और वाई की वैल्यू आ गई आपके पास वन माइनस का एक्स तो यहाँ से आपके पास आ गया वन जीरो से वन माइनस एक्स ये आपके पास लिमिट आ गई यानी कि अब आपने कैलकुलेट क्या करना है इंटीग्रेशन पहले एक्स की लिमिट जीरो से वन लिख लिया आपने फिर y की लिमिट जीरो से वन माइनस एक्स लिख ली तो ध्यान रखना y की लिमिट है यहाँ पे तो पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे देन वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है और फोर टाइम्स करेंगे इसको चार से क्योंकि हमारे पास चार सेक्शन है सेम ओरिएंटेशन के अच्छा मेरे पास इंटीग्रांड क्या है यहाँ पे वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर अब इस इंटीग्रांड को इंटीग्रेट कर इंटीग्रेट करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए है ना फोर टाइम्स जीरो सेवन मेरे को यहाँ पे इसका वाई के रिस्पेक्ट में करना तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू एंड देन माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई राइट क्योंकि टू एक्स स्क्वायर तो वाई के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट ट्रीट होगा ठीक है तो जीरो से वन माइनस एक्स और विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स चलिए आगे क्या हो गया ये फोर टाइम एंड जीरो टू वन लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एंड माइनस टू एक्स स्क्वायर और वन माइनस एक्स फिर आप लोअर लिमिट वाई की जगह ज़ीरो रखेंगे तो भैया ये जीरो हो जाना है इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है आपके पास ये बन गया डी एक्स ठीक इसको और सिंप्लीफाई कर लो आप फोर ज़ीरो टू वन ठीक देखो इसका इंटीग्रेशन तो आप कर लें चलिए एक एक स्टेप और कर लें इसमें वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स एंड माइनस फोर टाइम ज़ीरो टू वन बल्कि टू की भी मल्टीप्लाई कर लें ये एट हो गया और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर लें एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स टू दावर थ्री डी एक्स ओके ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं फोर इंटू इंटीग्रेट टू एट तो ये हो जाएगा आपके पास वन माइनस एक्स टू दावर थ्री अच्छा चाहे तो इस, इसको कैंसिल कर दें टू टाइम्स यहाँ पे टू लिख लें राइट ये हो जाएगा आपके पास माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन माइनस एक्स टू दावर थ्री अपॉन थ्री और वन माइनस एक्स का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया ये और इसकी लिमिट आ गई ज़ीरो से वन ठीक है एंड देन माइनस एट ज़ीरो से अच्छा इसको करें आप एक्स स्क्वायर को करेंगे एक्स की पावर थ्री बाई थ्री राइट और एक्स की पावर फोर बाई फोर लिमिट ज़ीरो से वन चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपर लिमिट यहाँ पे टू टाइम्स बल्कि ये माइनस टू बाई थ्री ये माइनस बाहर आ गया टू बाई थ्री और आपने यहाँ पे अपर लिमिट रखा एक्स की जगह वन रखा तो ये ज़ीरो हो गया क्योंकि वन माइनस वन ज़ीरो हो गया लोअर लिमिट आप यहाँ पर रखेंगे एक्स की जगह ज़ीरो तो वन की पावर थ्री तो आपको ये माइनस वन दे देगा राइट इसी तरीके से माइनस एट और अंदर में क्या जाएगा यहाँ पे आपने वन रखा पर लिमिट ठीक है तो वन बाई थ्री एंड माइनस वन बाई फोर राइट फिर लोअर लिमिट रखेंगे ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो तो ये ज़ीरो हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये आपके पास हो गया माइनस माइनस प्लस टू बाई थ्री राइट और यहाँ पे हो गया माइनस का एट और आपने ट्वेल्व एल सी एम ले लिया राइट और ये आपके पास क्या हो गया यहाँ पे फोर माइनस थ्री ठीक तो ये हो गया आपके पास टू बाई थ्री एंड माइनस एट मल्टीप्लाई बाई वन बाई ट्वेल्व और वन बाई ट का मतलब भी आपके पास टू बाई थ्री ही आ गया तो ये आंसर आप क्या होगा आपके पास ज़ीरो ठीक है गाइज देखो ये छोटा छोटा काम करना होता है हमें और आई होप यू गाइज अंडरस्टूड how to calculate the reason and i have uh, discussed the sufficient questions on the uh, boundary regions okay so thank you very much for watching the videos and keep in touch so see you in the next video lecture with awesome content